नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपको नए ब्लॉग में। और आज मैं आप थे पर थोड़ा बहुत गाँव सैर करा दूँ हल्को फुल्को, और मथे मंदिर भी सैर करो लो। ये हमारा गाँव है पूरू, और आप थे दिखा छो मैं कि हमारा गाँव में क्या क्या उपलब्ध है आज डेट में। सबसे पहले मैं आपसे दिखाना चाहूँ लासन, देख सकता लासन छुट्टा सगोड़ा छी ना। दगड़ा दगड़ आपसे दिखाना चाहूँ मेथी भी हुई चा। और यो जो पलिंगू घरे पलिंगू भी चा। और यो जो मनी छोरो पुंगड़ो जो कि इंडियन आर्मी में सेवा दीण अपड़ मेरा दोस्त छोटू भुला। और देखो कितना बड़ी मुश्किल से एक बाढ़ करी जी, देखो ये पर्दा लगाया छे ना जंगली जानवर से बचाना कौन हर खेत में आते दिखाया ला। और गेहूँ बुत्या छे ना, और गेहूँ बीच लई अभी हुई जो देखो पीलू पीलू देख सकता। गेहूँ छीनियो लैया ये हमारे गाँव का मथी हिस्सा यानी महल सरी बुल दिनिया को ना कि ले यू महल शहर से तो महल सरी शॉर्टकट में गडोली में बुल दिनिया को ना। और देखो सरकार तो तार बाड़ कनी नीचे, और सब मुन अपड़ा फाड़ देखो अपड़ा बड़ा पुंगड़ा बचाना खोन देखो। यू पूरा यू खेत छीन तो ये चारों तरफ चार दीवारी बनाई छे। देखो यू दुर्गी और पुंगड़ छे अनुराग और मोंटी भाई घर देख सकता आप। ये डोबाल जी घर, ये बड़ा ताऊ जी, ये हमारे ताऊ बड़ा ताऊ जी घर। और यू बीच हम जो यू रच्चू दीदी और घर छ सोनू दीदी रच्चू दीदी ऊँ घर छ मतलब आप ऊँ मायका छ। देखो सब जगह आप तार बार दिखेल के लिए जड़ा सोल सुंगुर कई चीज आना छ जो कि खेती थे नुकसान पहुँचाना छीन। देखो हैरू बैरू हुई बिशार ये हमारे गांव कुलदीप काला जी सिटी कंप्यूटर सेंटर वाला भाई साहब जी हमारे काका श्री ओंग मकान। देखो सब जगह आप थे दिखेला जितना धोती छाई सब लगेगी इन पुंगड़ों में। सिर्फ ये वास्ता कि थोड़ा गेहूँ जिदा मेहनत करनी चाहिए लोगों को वो थोड़ा बच जा। ये देखो ये धनिया ये फूल गया है कुलदीप से चरों घर पिछने ऊँके सगोड़ चु। ये सोचना सोचना बोली नहीं खुना और आते दिखाना रोल धीरे धीरे। ये भी छोटी छोटी वो चिंसा कोड़ी ये जो लासन ये जो पलिंगू और भी चीन सर सब और चे। और शहर चे और हम जाना जो वी देवी माँ कुलदीप में जिते आप पहले ब्लॉग में दिखा चाहे कि लेकिन जो दी देर दोनों बैठे ही और कुलदीप में जानी है तो धीरे धीरे आते थोड़ा बहुत व्यू दिखोला जे तुम से वैसा कल। ये हमारे छोटू से नागराजा का मंदिर आप थे भीतर भी दिखा दूला। और अब माँ गौरदे देवी जो हमारे कुलदेवी चौंक दर्शन कनक जाना छो दादी दगड़ या चमर नागराज जी की प्रतिमा। और धीरे धीरे जान जान अब दिखोला और भी कई चीज आप दिखोला। तब हम चलन बैठ को चढ़े मा। और ये वीडियो स्पेशल जो मेरे सब्सक्राइबर थे नीरज चमोली जी हमारे काका श्री उनके वास्ते मैं दोबारा एक बार से पुनः व्लॉग बना पड़ना चु। तो चमोली जी आपके लिए हम मंदिर जा रहे हैं और जो आपने मुझसे कहा था उस चीज़ की वीडियो ज़रूर बनेगी आपके लिए, देखते रहिए वीडियो। और चल चल देखो हम तक की चीज़ मिली है ये देखो
ये जो जंगली जानवर हूँ सोल, वे कांडा होंगी ना सोल कुंदा, मेरे हिसाब से अंग्रेजी में तो पोर्क पाइन बोल दी ना, जब तक मेरे अनुमान से। ये देखो सोल कुंदा, ये भी मुंडा नाम जन काम आंद। तो ये जंगल रास्ता आना चाहूँ थोड़ा, तो ये सोल एक बड़े गया वाले तो वे कांड ये छुट गया ही, ये काफ़ी काम आंद। हमारे गढ़ वाली मुंडन में काम आंद, पूजा काम आंद, पूजा काम आंद, पूजन में मुंडन में बच्चक बाल में यान केरे लगा नहीं ना, और जब मुंडन होंगे वे टाइम पर तो सोल तो दिखा नहीं सकता, सोल कौन में तुम तो दिखाया योच। चलो चल रहे धीरे धीरे, ये थोड़ा लोकेशन नयार घाटी के नाम से मैं जो चैनल च वन नयार घाटी आई आज जद का आप दिखने वाले स्क्रीन में, ये थोड़ा मत्थी बटे दिखाना जाते व्यू, ये पूरी सत यक बटे और पूरी सतपुली एम के सर तक नयार घाटी आए, जो नदी का तलटी का समेट पर जितना गाँव छिन वो सब नयार घाटी है पर से छिन जितना भी गाँव छिन। तो आजकल लकड़ा कटेना छिन तो लकड़ा भी लोगों कटिया छिन, तो मंदिर जाने का रास्ता जे भगयाना को ले बिटगी। तो दगड़ो एक बार पुनः जो मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में बताया था बिसोनी, तो वह हम पहुंच गए हम, और थोड़ा थक भी साना छोड़ हम। चलो तो आप पहुंच गए हम उमर में, और आप दिखा दिन मैं पिछले क्या जिले जो मालूक जिला जो कि गढ़ोली ब्याह बरतियों में शुभ चीज़ों में काम आंद मालू, ये एक भी अपने हिस्ट्री च अपने कहानी चे। तो अब हम पहुंच गए उमर में, उमर उमर जो उम्र डाल ढूंगो चु यू और उम्र डाल था एक हम जो कि भाट टूट गया है देख सकते हो, उम्र डाल टूट गया तो जो उम्र सबसे ज़्यादा डर में से घर जान पे यह कमी लगी छे, किले की एक रिक बहुत रेंज है और यह हमें मालू जिला है बहुत बड़ो, तो वे टांटी खाना कान छिक, तो बचपन यहाँ थोड़ा भी उम्मीद अगर ताजी होनी। और चल चल हम पहुँच गए खड़कियों में, यो जब खड़कियों खड़कियों में पहुँच गए तो मैं दिखा डाल यू ये पिछले जो डाल यो जो उम्र डाल जय को हिंदी में बोल दिन गुल्लर, अब यू यहाँ फल हुआ यू जैसे खाते छे सब भी, और पुराण में कहा बच्चे कि जो ये फूटो का खान चाहिए वो डॉग हो जान चाहे, और मैं भी खाना चाहिए शायद के पता मैं भी डॉग हो जाऊँ। तो पहुंच गए हम गांव में जो पिछले ब्लॉग में आए थे उसी जगह, और पिछले ब्लॉग में एक चीज़ कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाना भूल गया था उसके लिए सभी के लिए सॉरी, और यह है जंद्रू, जंद्रू का पार्ट ये एक और ये दूसरा, और ये जो छेद है इस पे एक लकड़ी लगा के यूँ घुमाने का ऐसे इस प्रकार से आप दिखा सकता हूँ यूँ आपने देखा होगा, तो ये वही है चक्की का पार्ट है पहले पुराना बुआरी जो खैर खींचे ये जंद्रू पिछले उसे पता ही वाले वो आज ये दुनिया में शायद ही कोई बच्चों वाले, और कोई बॉडी मेरी वीडियो दिखने वाले तो ज़रूर लाइक कर दी। तो फिलहाल तो हम फाइनली कपट्याल जी की कर्म भूमि सॉरी चमोली जी की सॉरी नीरज चमोली जी की कर्म भूमि आपको दिखा रहे हैं, यह जन्म होने के बाद यह कहें अच्छाई ये देखो, और आप थे फ्रंट कैमरा कह रहे दिखा दे, यह है चमोली जी की कर्म भूमि, ये मकान जीर्ण छीर्ण स्थिति में हूँ, ये डाल जम गिने एक देखो ये मकान के अंदर ही जमा हुआ है जो कि घास की वजह से नहीं दिख रहा है चमोली जी आपको, ये देखो और कहाँ मैं खड़ा हूँ देखो बहुत ही खतरनाक जगह में, जो कि अनुराग काला जी का ये पुराना घर है सभी भाइयों का, ये देखिए। तो नीरज चमोली भाई जी यानी काका श्री हमारे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता
कोटद्वार के मंडल प्रभारी भी रह चुके हैं यहाँ पे और चमोली जी की फरमाइश में ये वीडियो बनानी पड़ी और इसीलिए मैं आज ऊपर गांव आया और दादी के साथ भी आया। तो चमोली जी आप नाराज़ मत होना, आप बोल रहे थे वीडियो नहीं बनाई है तो डाल दी है। साथ ही साथ पीछे अमरूद का पेड़ जो कि एकदम ऑर्गेनिक है, जो कि दिल्ली कोटद्वार जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अमरूद के पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। अमरूद भले ही 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये किलो मिलेंगे, कहीं कहीं पे सस्ते भी हैं, लेकिन जैसे यहाँ नज़ारा है वो आपको शहर में नहीं मिलेगा। तो यही मकसद मेरा रहता है व्लॉग बनाने का कि सभी लोग यहाँ पे गांव के स्थिति को देखें और कुछ सीखें और कुछ हमें भी सिखाएं। ये नीरज चमोली जी के मकान का पीछे का हिस्सा मैं दिखा पा रहा हूँ, तो ये उनका मकान है। आगे से तो पूरी घास जमी है लेकिन इधर साइड की जो दीवार है ये काफ़ी सुरक्षित है और मजबूत भी है। ये देखिए अरे हमार घाट से समय पर चबूतरा डाल हिली चीक डाल दिखेण उच बुझ जाएगी ना, किले की कोई आन नहीं। अरे सबों का आलू लगे रहना चाहिए इना अभी तो आज स्थिति आप देख सकता। ये वीडियो में थे इले बना पहाड़ी कि कई लोगों का हमारे फूफू को दीदियों को बहनों को कमेंट आई चाहिए कि बुला बना दी तो यहाँ करण में बना छो। तो दगड़ियों पहुँच गयो एक बार पुनः माँ गोरजा का चरणों में, दादी का दगड़। तो आप सभी माता रानी का दर्शन कर सकते हो, पहुंच गए हम मंदिर में। और ये छोटे से शिवलिंग स्थापित हुए हैं मंदिर में। और ये अखंड ज्योत और चल चल मंदिर प्रांगण में एक डाल से तिमला डाल आप दिखा सको, तिमला दिखेना वाला ये तिमला लगे छ जो जो खयो च जो तो पता चे तिमला क्यों हूँ तो मैं तो बता दिया। और अब थोड़ा सी पूजा अर्चना करने के बाद बच्चों को प्रिय आहार ओएस गढ़वाल की शान ओएस ये थोड़ा हम भोग लगोला आप हो। तो दगड़ा ये पिछले दिन कुलेंग डाला और आप दिखाना चाहनी एक फल ये बोली छूता और थोड़ा हिंदी में बोलना चाहते कि ये जो पीछे पेड़ है इसको बोलते हैं पाइन, पाइन का पेड़ है जिसे बोलते हैं चीड़ और ये चीड़ की फली है, ये घर में साज सज्जा डेकोरेशन के काम आती है तो ये बताना भी ज़रूरी था वीडियो में। तो इस पे आप पेंट करके कलर करके इसे आप अपने रूम में सजावट के काम आ सकता है
और काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कीड़ा इतनी जल्दी नहीं लगता है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के रूप में। यख हम पुराना लोग घास को छते हम घास बिसान छाई, ये भी बिसोणी छे हमारे गाँव का। और यू पिपला बाट कटगल धारा रास्ता वेखन जान जो वो रास्ता छो जैसे याद वेल तो ढूंगे देखे पछाण के वाला। तो दगड़ियों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और उम्मीद कर दूँ ये वीडियो आपसे पसंद आवाज। अगर आपसे ये वीडियो पसंद आवेली तो ये वीडियो से लाइक करें और चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल नाम में चेंज ही लेकर कि काफ़ी लोगों में थे रिकमेंडेशन चाहिए कि चैनल थोड़ा नया घाटी नाम पर हूँ छो, तो इसलिए मैं नया घाटी ब्लॉग्स अपन चैनल का नाम बदले वैसे वे खोना मैं माफ़ी चाहता आपसे। तो मिल रहा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।